एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। भारी डिमांड को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर नई वंदे भारत की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, लंबे वक्त के इंतज़ार के बाद आखिर वह घड़ी अब आ ही गई जब एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है। एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर वंदे भारत की काफ़ी वक्त से डिमांड की जा रही थी। दक्षिण रेलवे ने गुरुवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन की पहली यात्रा की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर शेयर करते हुए दक्षिण रेलवे ने लिखा है, शानदार नई वंदे भारत एर्नाकुलम जंक्शन से KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन तक अपनी पहली यात्रा पर है। इसके साथ ही लंबे इंतज़ार के बाद रेलवे ने बुधवार को एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच स्पेशल वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू की है। ये सेवा 25 अगस्त तक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। ये ट्रेन एर्नाकुलम से बुधवार, शुक्रवार और रविवार को, बेंगलुरु से गुरुवार, शनिवार और सोमवार को रवाना होगी। इसके साथ ही एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन के टाइम टेबल की बात करें तो ट्रेन दोपहर 12:50 पर एर्नाकुलम से रवाना होगी और रात 10 बजे बेंगलुरु कंटोनमेंट स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी की यात्रा में ट्रेन अगले दिन सुबह 5:30 बेंगलुरु कंटोनमेंट से रवाना होगी और दोपहर 2:20 पर एर्नाकुलम पहुंचेगी। इस मार्ग में 10 स्टेशनों पर ठहराव शामिल है। आपको बता दें, बेंगलुरु एर्नाकुलम मार्ग पर यात्रियों की भारी डिमांड के मद्देनज़र इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत इस रूट के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि कुछ यात्रियों ने इस दिन के समय के टाइम टेबल को लेकर चिंता व्यक्त की है। हालांकि दक्षिण रेलवे ने यह आश्वासन दिया है कि वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर की शुरुआत के साथ इन मुद्दों का भी समाधान किया जाएगा। असल न्यूज़ के लिए अर्चना सिंघल की रिपोर्ट।